देखिए, जिस पार्टी में उचित और अनुचित क्या है इसको नहीं जांचा जाता, इसको फरखा नहीं जाता। आप कहेंगे कि साहब टिकट वाली बात है, तो निश्चित टिकट वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं जो उसके लिए नहीं, उसके और कुछ कारण है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि माननीय माधव चंद्र महतो जी पहले शिक्षक थे, बाद में ये कम्युनिस्ट का समर्थन किया करते थे, फिर जब इन्होंने ज्वाइन किया तो JBM ज्वाइन किया, JBM को छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और भारतीय जनता पार्टी में जब इनको टिकट नहीं मिला तभी आजसू में चले गए और आजसू से चुनाव लड़े, टिकट नहीं मिलने के तुरंत बाद, और आजसू में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पिछला चुनाव में हराया, और उस समय पार्टी ने इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया। भारतीय जनता पार्टी में लड़ लिए तो 6 साल निष्कासित किया कि भाई 6 साल, और 6 साल में के बाद ही 5.5 साल में इनको वापस ले आया और 6-7 महीना पार्टी मैनेजमेंट टिकट दे दिया। मैं पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कौन सी खूबसूरती है, कौन सा जादू है इनके पास में जो पार्टी बराबर चेंज करते रहता है, उनको अपने टिकट दिया। मुझे इस पर आपत्ति नहीं, आपत्ति इस बात का है कि वहाँ समर्पित त्याग तपस्वी किसी कार्यकर्ता को बाटुलिया को नहीं देते, कोई बात नहीं था, लेकिन जो 20-15 साल झंडा ढोया, ऐसा नहीं है जो उस क्षेत्र में सारा लोग मूर्ख है और सारा लोग ने त्याग नहीं किया, उन लोगों को नहीं दिया गया, और ये फिर क्या करेगा इसका कोई पता नहीं है, तो ये गलत काम। दूसरी बात है, सेकंड मेरा जो पॉइंट है कि पार्टी ने सर्वे कराया, मैं चुनौती देता हूँ उसी केंद्र तक के लोगों को कि सर्वे का रिपोर्ट निकाला जाए जो सर्वे में किसका नाम है। सर्वे में मैं आगे हूँ, पार्टी ने रायशुमारी किया है उसमें भी आगे हूँ, तो फिर रायशुमारी और सर्वे का क्या अर्थ है, ये क्या आई वास्ता। फिर दूसरी बात है, चुनाव का परिणाम देखिए तो मात्र 3000 वोट से पिछले चुनाव हारा था, 1700 वोट आता तो मैं जीत जाता। और जहाँ तक है कि लोगों के साथ बाटुलझा क्या है, सही आदमी है गलत आदमी है, किसका सर्वे भी करा ले, आज भी करा ले, अगर हमारा कहीं कोई फॉलो होगा, मैं मंत्री भी रहा, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं, दूसरे मंत्रियों के पास रहता है लेकिन मेरा कोई मामला नहीं, मैंने जनता की सेवा किया है और आज भी मैं कर रहा हूँ, और मैंने समझा ये पार्टी अब बर्बादी पार्टी है और इसीलिए इस पार्टी से त्याग पत्र दे रहा हूँ, और एक घोषणा भी करता हूँ कि आने वाले समय में पार्टी का दुर्गति होगा। संथाल परगना खास पर जहाँ तक हमें आइडिया है, आप देखेंगे जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चला कि क्या है। अब आप क्या निर्णय लिए हैं इस्तीफा देने के बाद? देखिए, इस्तीफा देने के बाद कार्यकर्ता जो था, कार्यकर्ताओं का दबाव है कि आप चुनाव लड़िए, तो चुनाव लड़ने का तो मन मैंने बनाया है, अभी किस दल से लड़ना है और कैसे लड़ेंगे इसका बात बाद में हम बनाएंगे, विचार लेकिन है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और किसी के कहने से मैं अब मान। दूसरी बात है, एक चीज़ और देखिए पॉइंट, टिकट देने के बाद भी प्रदेश का कोई नेता, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष ने हमसे बात तक नहीं किया, जबकि मैं सीनियर इस क्षेत्र का मंत्री भी रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ, गोड्डा का प्रभारी रहने का मौका मिला है, देवघर का प्रभारी, कई पदों पर मैं रहा, इसके बाद भी मेरा सम्मान नहीं कर किया गया, कहीं हमसे बात तक करने का अवसर नहीं है, तो ऐसे पार्टी में जहाँ सम्मान नहीं है, मैं इसको इस पार्टी से त्याग पत्र देता हूँ, इसमें रहने का कोई अब मेरा जो है इच्छा इस पार्टी में नहीं है।